जे हेलो मेरा नाम है और हमारे साथ पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लास्ट लेक्चर में हमने किर्चॉफ स्लो को कवर करा था कि लो क्या होता है और कैसे उसे यूज करा जाता है आज हम क्या पढ़ेंगे की कि किरच स्लो को ही यूज करके Nodal और मैश एनालिसिस को हम क्या करते हैं स्टडी करते हैं किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए या तो मैश एनालिसिस करते हैं या एनालिसिस है क्या ये ये किच ऑफ लॉ की ही एक एप्लीकेशन है मतलब किर्च ऑफ लॉ को अप्लाई करने का ये क्या है मेथड है तो उसके आज क्या करेंगे कुछ न्यूमेरिकल करके देखते हैं जितने भी हो जाते हैं और कुछ आप करके देखेगा कि जो भी जिसके पास बुक होगी उस बुक से कुछ न्यूमेरिकल को क्या करके देखना ट्राई करके देखना तो देखो नोडल और मैश एनालिसिस ये वाला मतलब कोई भी सर्किट किसी से भी सॉल्व कर सकते हो चाहे नॉडल से करो चाहे मैच से करो तो मैं नॉडल से कर रही हूं तो तुम क्या करना कि पहले नॉडल से तो जो मेरा वाला तरीका है उसे करके देखना ही फिर उसके बाद उसे मैच से भी करके देखना कभी भी जो आंसर होते हैं वो क्या नहीं आते अलग नहीं आते जैसे मान लो ये एक सर्किट दिया है इस सर्किट में तुम्हें ये कह सकता है कि इस ब्रांच में करंट बताओ जो फोर ओम वाली ब्रांच है ठीक है यहाँ थ्री वाली में करंट बताओ यहाँ तो जो दे रखे हैं इस ब्रांच में करंट बताओ किसी भी ब्रांच में करंट पूछ सकते हैं या किसी भी ब्रांच में वोल्टेज पूछ सकते हैं कि बताओ ओम के कितनी वोल्टेज होगी ओम ओम के कितनी के कितनी कितनी वोल्टेज वोल्टेज होगी होगी इस तरीके से क्या भी पूछ सकते हैं किसी भी ब्रांच में वोल्टेज भी पूछ सकते हैं तो हमारी मर्जी चाहे नोडल एनालिसिस लगाए चाहे मैश एनालिसिस लगाए ठीक है तो सबसे पहले हम जो इसे सॉल्व कर रहे हैं पहले नोड से करते हैं फिर किससे करते हैं मैच से सॉल्व करेंगे तो नोडल के लिए क्या चीज कही थी कि क्या अप्लाई करना पड़ेगा के सी एल और, और स्लो तो साथ में लगाते ही रहेंगे तो हमें यहाँ के सी एल अप्लाई करना है तो सबसे पहले नोडल एनालिसिस को अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है पहला स्टेप तुम्हारा ये है सबसे पहले सारे नोड मेंशन कर लो कि इसमें कितने नोड है तुम्हें नोड क्या बताए थे जहां भी तुम्हारे एलिमेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं वो ही तुम्हारे क्या होते हैं नोड होते हैं तो यहां पर तुम कितने नोट कह सकते हो एक दो तीन चार तुमने क्या कर लिया नोट नोट को मेंशन कर लिया नोट क्या होते हैं जिन भी के भी बीच में तुम्हारे क्या कनेक्ट रहते हैं एलिमेंट कनेक्ट रहते हैं तो जहां जहां एलिमेंट कनेक्ट रहते हैं जिसके थ्रू ने हम क्या कहते हैं नोट कहते हैं हमने क्या कर लिया नोट सारे मेंशन कर लिया तो पहला स्टेप यही है कि पूरे सर्किट में हम क्या करेंगे नोट को सेलेक्ट कर लेंगे फिर नोड को सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं एक रेफरेंस नोड मानते हैं जहां से सारे ही नोड कनेक्ट हो यही मानने की कोशिश करते हैं सर्किट को सॉल्व करने के लिए कि एक कोई रेफरेंस नोड मान लेते हैं जहां से सारे नोड कनेक्ट हो जिसके अक्रॉस हमें क्या निकालनी है करंट निकालनी है तो मान लो हमें इस नोड पे निकालनी है तो हम ये एक जंक्शन मान लेंगे और इस जंक्शन के अक्रॉस क्या करेंगे सारी करंट की वैल्यू किसी की भी निकाल लेंगे और एक जंक्शन क्या मानते हैं कॉमन देखो जैसे इस वाले जंक्शन से ये भी कनेक्ट है इस वाले जंक्शन से ये भी कनेक्ट है इस वाले जंक्शन से ये भी कनेक्ट है तो इसे कॉमन मान लेते हैं और यहाँ ग्राउंड शो कर देते हैं इसका मतलब यहाँ जो वोल्टेज है वो कितनी है जीरो इसको क्या कर दिया सारे पॉइंट से कॉमन कर दिया ग्राउंड कर दिया और कॉमन का मतलब यहाँ जो वोल्टेज है वो कितनी है जीरो वोल्ट है ये चीज यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं अब कोई एक नोड मान लिया जिससे तुम्हारे सारे ही नोड कनेक्ट हैं एक रेफरेंस नोड मानने को कहा है जिसके अक्रॉस हम करंट निकालेंगे

खुद अपने अकॉर्डिंग जंक्शन से बाहर की तरफ मान लो या जंक्शन के अंदर की तरफ मान लो जो मर्जी जंक्शन पर वो वाली डायरेक्शन तुम क्या कर सकते हो मान सकते हो जैसे यहाँ पे तो देखो ऑलरेडी करंट फ्लो करती हुई दिखा दी यहाँ करंट ऑलरेडी क्या करती हुई दिखा दी फ्लो करती हुई तो इसका मतलब यहाँ से ही जो करंट जा रही है तो ऐसे ही जाएगी और कोई रास्ता तो इसके पास है नहीं तो ये वाली करंट जो फ्लो करेगी ये तो ऐसे ही फ्लो करेगी ये वाली करंट

डायरेक्शन जैसी मानोगे वैसा ही फॉर्मूला लगेगा याद रखना जैसी डायरेक्शन मानोगे फॉर्मूला वैसा ही लगेगा इसलिए डायरेक्शन अगर गलत भी ले लोगे इसकी इसकी अंदर की तरफ, इसकी बाहर की तरफ बाहर तरफ कहीं भी कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ने का क्योंकि हमने ये पढ़ा था इनकमिंग करंट करंट इज टू फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही लगेगा अब जो तुमने ये जे जंक्शन माना है इस जे जंक्शन पर अपनी मर्जी से एक वोल्टेज मान लो वोल्टेज को निकालने के लिए हमें क्या भी करनी पड़ती है एक वोल्टेज यहाँ पर रेफर लेनी पड़ती है तो हमने क्या माना एक वोल्टेज यहाँ पर कितनी मान ली V इस जंक्शन पर हमने कितनी वोल्टेज मान ली V दी वोल्टेज मान ली कि माना इस जंक्शन पर या इस नोड पर जो वोल्टेज की वैल्यू है वो कितनी है V तभी हम इसके अक्रॉस करंट वोल्टेज कुछ भी निकाल सकते हैं और यहाँ करंट की वैल्यू मान ली I1 और यहाँ मान ली I2 टू यहां आई है अब इस जंक्शन पर हमें क्या लगाना है के तो के लगाओ इस जंक्शन पर ठीक है तो इस जंक्शन पर हमने क्या लगाया के सी एल apply apply kcl at node क्या नाम दे दिया a at node a A par hame kya apply karne par kcl apply karne par jab a par kcl apply kara to kya hai incoming current is equal to outgoing current incoming current kon si hai ye wali outgoing current कौन सी है ये wali तो so, incoming current कितनी है i is equals to i1 plus

तो आई वन की वैल्यू तो दी नहीं है खाली आई वन लिखा है लेकिन अब कौन सा रूल लगाएंगे ओम्स लो ओम लो क्या होता है आई बराबर वी अपॉन आर आई इजिकल्स टू क्या होता है साइड में लिख रही हूं वी बाय आर तो हमें इस ब्रांच में आई वन जा रही है देखो पूरे में यहां तक यहां से शुरू हुई आई वन यहां तक जा रही है तो आई इजिकल्स टू क्या लगाना है वी बाय आर अब वी कितना है इस ब्रांच में ये देखो किसी भी चीज का पोटेंशियल पोटेंशियल क्या होता है इस आर के अक्रॉस इसमें ही तो करंट i1 जा रही है इस आर के अक्रॉस हमें देखना है वोल्टेज कितनी है तो एक वोल्टेज ये है एक वोल्टेज ये है ये वाली वोल्टेज तो पता ही हुई है अब क्योंकि ये आउटगोइंग है यहां से निकल रही है तो पहले वोल्टेज कौन सी लिखेंगे va i1 की जगह पहले वोल्टेज कौन सी लिखेंगे va va क्यों लिख रहे हैं चलो तुम्हें कंफ्यूजन होगा मैं पहले i1 ही निकाल के दिखाती हूं i1 ठीक है ये इक्वेशन वन बन गई i1 बराबर क्या होता है v अपॉन r v कितनी है ये दोनों वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप पोटेंशियल वोल्टेज हमेशा कैसे लेते हैं किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस va vb चीज बताई थी तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस में तो पोटेंशियल डिफरेंस लेना है 1 ओम के अक्रॉस क्यों क्योंकि तभी हमारा क्या आएगा i आएगा v अपॉन r तो वोल्टेज कैसे लेंगे va माइनस आगे वाली वोल्टेज अब आगे वाली वोल्टेज कितनी है देखो करंट कैसे जा रही है प्लस से माइनस करंट कैसे जा रही है प्लस से माइनस तो वोल्टेज यहां पर कितनी हो गई एक तरीके से अगर यहाँ प्लस लिखा है ना यहाँ कितना लिखा है अगर प्लस इसका मतलब यहाँ प्लस टेन वोल्ट है यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है जीरो पे यही तो हुआ मतलब माइनस यहां पर प्लस यहां पर तो यहां कितनी है प्लस टेन वोल्ट तो तो कितना आ गया ठीक तो है पर चाहे शो करके दिखाओ इस पॉइंट पे चाहे शो करके मत दिखाओ यही से ही पता लगा लो या ऐसे भी कह सकते हो करंट प्लस से माइनस जा रही है करंट कहाँ जा रही है प्लस से माइनस और पीछे क्या बताया था कभी भी करंट अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी तो वोल्टेज हमेशा किस में होगी माइनस में होगी तो वोल्टेज कितनी हो गई माइनस की टेन तो माइनस क्या हो गई टेन हो गई सही है डिवाइड बाय आर आई बराबर क्या होता है वी अपॉन आर तो वी तो आ गया आर कितना है ओम तो ये आ गया हमारा क्या वन ओम ओम लिखने की हम यूनिट लिखने की यहां इतनी नीड नहीं है अब आई टू आई टू भी क्या है वी अपॉन आर आई टू किसमें फ्लो कर रही है इसमें तो वी कितनी है ये माइनस ये तो ये कितनी है वी ए नीचे कितनी है जीरो अपॉन आर आर कितना है ओम तो ये किसकी वैल्यू आ गई आई टू की अब आई वन और आई टू की वैल्यू किसमें पुट करने पर इक्वेशन वन में पुट करने पर और आई की भी तो आई की वैल्यू कितनी है दो आई वन कितना है वी ए माइनस टेन बाय वन और आई टू कितना है वी ए बाय फोर अच्छा मैंने वी ए खाली वी माना था पर चलो ए नोट में है तो वी ए हो गया वी ए बाई फोर तो टू इजिकल्स टू वी ए माइनस टेन प्लस वी ए बाय फोर तो टेन इधर चला गया ट्वेल्व आ गया और ये कितना आ गया फाइव बी ए बाय फोर ऐसे में ले लिया इसका और इसका तो कितना आया गया फाइव बी ए बाय फोर तो वी ए इजिकल्स टू कितना आ गया फोर्टी एट बाय फाइव, फाइव वोल्ट डिवाइड कर लो बी इक्वल्स टू कितना आ गया तो इस तरीके से तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो केवीएल अप्लाई कर सकते हो यहां पर अगर बैटरी माइनस ऊपर होता प्लस नीचे होता तब क्या करते हैं माइनस से प्लस जा रही है तो प्लस का साइन आता अपने आप ही ठीक है माइनस से प्लस जा रही है तो किसका साइन आता प्लस का साइन आता सबसे शॉर्टकट तरीका तुम्हें यह लिखने का बताया है कोई भी बच्चा यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए देखो बिल्कुल करते अब इस ब्रांच की वोल्टेज निकल गई इस ब्रांच की वोल्टेज कही थी ना तुम्हें वीए निकालने के लिए तो वी कितनी निकल गई नाइन या फोर्टी अगर कोई कह रहा है इस ब्रांच की करंट बताओ आई तो इस ब्रांच की करंट आई बराबर क्या है वी ए बाई फोर वी ए कितना है ना आई टू तो ये हमारी क्या निकल गई करंट की वैल्यू यहां पर निकल गई फोर्टी एट निकल गई ट्वेंटी एमपी किसी भी ब्रांच में अगर कहीं वोल्टेज क्या रखी है इस ब्रांच की तो करंट पता ही है इस ब्रांच की अगर करंट कही है कि आई वन बताओ तो आई वन बराबर क्या है वी ए वन. तो वी ए कितना है नाइन पॉइंट सिक्स -10, तो कितना गया? 0 .4, -0 .4. तो हमारी कितनी आ अब -10. कितना गया माइनस जीरो पॉइंट फोर एम 0.4 एम करंट किसकी आई माइनस की तो इसका मतलब हमने करंट की डायरेक्शन ऐसे ली थी आंसर आया है माइनस में तो करंट रियल में कैसे जा रही होगी ऐसे तो ऐसे पता लग जाता है कि हमने करंट सही लिया है या नहीं लिया है करंट हमने कैसे लिया है गलत ली है कैसे पता चला क्योंकि करंट किस में आई माइनस में तो करंट की वैल्यू ठीक है केवल डायरेक्शन अपोजिट आई है डायरेक्शन हमने ऐसे मानी थी तो ऐसे नहीं जा रही डायरेक्शन करंट देखो हमें वैसे भी पता है वो तो हमने तुम्हें दिखाने के लिए माइनस से प्लस जाती है ना करंट तो करंट तो जाएगी ऐसे ही पर हमने फिर भी ऐसे ली तो हमें पता लग गया कि करंट ऐसे जाएगी ऐसे नहीं जाएगी अगर कभी भी करंट तुम अपोजिट लोगे तो क्या आ जाएगा कौन सा साइन आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा किसी भी डायरेक्शन में इसमें करंट सही थी इसने यहाँ प्लस की आई और यहाँ तुम्हें पता भी है एक करंट ऐसे आ रही है एक करंट ऐसे जा रही है बीच वाले में कोई सोर्स नहीं है तो दोनों करंट कहाँ जाएगी नीचे ही जाएगी तो ये वाला क्या है बिल्कुल ठीक है तो यह मैंने किसने कहा बता दिया एक नोडल एनालिसिस यहां पर बता दिया ठीक है यहां रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं था रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई फॉर्मूला अभी नहीं लगाया तो इसलिए मैंने रेजिस्टेंस पे प्लस माइनस कुछ भी मेंशन यहां पर नहीं करा मैश में रेजिस्टेंस में वोल्टेज निकालनी पड़ेगी तब प्लस माइनस वहां पर करना पड़ेगा ठीक है तो ये तुम्हारा एक क्वेश्चन हो गया एक नेक्स्ट ये दिया ये भी नोड है यहां भी कौन सा एनालिसिस लगाओ नोडल ही लगाओ तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया बहुत बिल्कुल सिंपल था ये हल्का सा बढ़ा दे दिया ताकि यहाँ पे तुम्हें इजीली समझ में आ जाए कि चल क्या रहा है ठीक एक नोड ये रहा देखो ए पर एक नोड यहाँ मान लो मान क्या लो है यहाँ पर और एक नोड ये रहा और जहां ये सारे कनेक्ट हो रहे हैं एक नोड ये रहा इसके अलावा तो देखो यहाँ कोई नोड नहीं है ना एक ये ए पर है बी पर है सी पर है और ये डी पर है डी अगर इस वाले को कह रहे हैं तो चारों नोड हमने यहाँ पर क्या कर दिया ये नोड तो डिफरेंट डिफरेंट नोड से कनेक्ट है लेकिन बाकी सारे इस पर आकर जुड़े हैं तो ये वाला नोड एक तरीके से क्या हो गया ग्राउंड ही हो गया तो यहाँ जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी जीरो जो वोल्टेज होगी वो जीरो होगी खाली नीचे लेकिन अगर देखा जाए इस ब्रांच पे तो ऑलरेडी वोल्टेज इस वाली की तो दी है डीसी लेकिन अदर पे नहीं दी तो जो नीचे वाली वोल्टेज है खाली ये जीरो माननी है ठीक है ये कॉमन है कॉमन का अपने आप ही जीरो ही होता है उसे रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती है सही है ये मतलब एक तरीके से ग्राउंड को शो करती है अब तीन नोड माने ना यहाँ पर अब इस नोड पे वोल्टेज निकालने के लिए नहीं दे सकते क्यों क्योंकि इस नोड पे वोल्टेज ऑलरेडी दी है पांच वोल्ट देखो इस नोड पे कितनी वोल्टेज है प्लस पांच वोल्ट क्यों प्लस का निशान है ना यहाँ यहाँ पर किसकी वैल्यू है प्लस की तो ऑलरेडी यहाँ पर कितनी वोल्टेज दे रखी है पांच दे रखी है तो इसलिए मैंने डी का नाम भी यहाँ नहीं लिखा था क्योंकि डी पर हमें वोल्टेज नॉन है हमें वी या कोई भी वोल्टेज लगाने की नीड नहीं, नहीं है अब हम पे इन नोड पर कोई वोल्टेज नहीं है तो अगर कोई निकालने के लिए देगा इन नोड पर या डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में करंट निकालने के लिए कहेगा तो जो हमें हम नोडल एनालिसिस लगाना है वो क्या करते हैं इन दोनों नोड पर लगाना शुरू करते हैं तो इस नोड पे करंट अपने अकॉर्डिंग हमने कहा था ना कहीं भी करंट की डायरेक्शन मान लो तो देखो एक करंट तो ऊपर दे रखी है तो इसकी डायरेक्शन तो ऊपर ही हुई बाकी की भी हम क्या मानते हैं बाहर ज्यादातर क्या करना न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जंक्शन से हमेशा बाहर की तरफ ही मानना किसी में अगर करंट दे दी तो अलग बात है तो उसी डायरेक्शन में मान लो पर वहां भी अगर तुम चाहते हो मान सकते हो आउटगोइंग वरना जंक्शन पर ज्यादातर करंट या तो सारी आउटगोइंग मानना इनकमिंग मानना ताकि इक्वेशन लगाने में आसानी हो ऑल को जोड़कर क्या लिख सको जीरो लिख सको तो आउट गोइंग तो मानना सारी या incoming मानना, और अगर किसी ब्रांच में करंट सोर्स कर रखा है तो उसकी उस डायरेक्शन में मान लो अगर उसे भी नहीं मानना चाहते हो आउट गोइंग ही मानना चाहते हो तो करंट देखना अगर वो तुम्हारी डायरेक्शन में है तो प्लस में लिखना अगर तुम्हारी मानी गई डायरेक्शन से अपोजिट है तो माइनस लिखना एक रूल हमें यहाँ लगाना है तो यहाँ भी करंट ये तो आ रही है दिख रही है बाकी करंट हम क्या मान लेते हैं आउट गोइंग यहाँ पर शो कर लेते हैं तो अब हम क्या करते हैं अप्लाई करते हैं नोड ए पर अप्लाई एट नोड ए तो हमने क्या करा ए नोड पर के सी एल को अप्लाई करा तो ए नोड पर जो के सी एल अप्लाई करा करंट की वैल्यूज भी मान लो यहाँ पर आई वन आई टू I3, I4. अलग अलग हमने हमने क्या मान ली करंट मान ली तो ए पर अप्लाई करो के सी एल जब हमने ए पर के सी एल अप्लाई करा तो ए पर के सी एल अप्लाई करने पर देखो क्या आएगा इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट लेकिन ये कि नहीं, सारी करंट कहाँ जा रही है बाहर जा रही है तो एक तो पांच एम्पियर की करंट है और एक आई वन है और एक आई टू है इक्वल किसके जीरो थ्री बाहर जा रही है आई वन बाहर जा रही है चार बाहर जा रही है सारी करंट इक्वल टू जीरो या तो इनकमिंग इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट विद डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो तो हमने सारी करंट बाहर की तरफ जा रही है उसे कितना लिख दिया जीरो लिख दिया इसके बाद तीन की वैल्यू तो हमें तीन ही लिखनी है आई वन लिखो आई वन कितना है ये वोल्टेज जहां से वोल्टेज करंट जाती है पहले वो वाली वोल्टेज और जहां जाती है बाद में वो वाली जहां से करंट निकल रही है वो माइनस जहां पर जा रही है वो तो वी ए से निकल रही है ना इसकी वोल्टेज वी ए मान लो इसकी वोल्टेज वी वी मान लो तो वी ए माइनस इस पॉइंट पर कितनी है पांच क्या कहा यहां पर प्लस साइन है तो कितनी आ गई वी ए माइनस फाइव ठीक है कितनी आ गई वी ए माइनस फाइव सेम किसकी तरह जैसे पहले वाला न्यूमेरिकल कराता उसी की तरह ही हम यहां पर कर रहे हैं वी ए माइनस फाइव

ऊपर जुड़ा है और माइनस किसमें जुड़ा है नीचे है यहां पर तुम केवीएल भी लगा सकते हो अभी आगे पढ़ोगे ना KVL. इस ब्रांच में कि अगर नहीं कि हमने यहां प्लस ही क्यों लिया मैंने तो सिंबल बता रखा है, कि प्लस हम कैसे भी ले सकते है ये प्लस वाला सिंबल देख लो बस ये प्लस है तो यहाँ प्लस पांच लिख दो यहाँ माइनस है तो माइनस पांच लिख दो जो बैटरी पे जिस तरह है वही लिख दो वी ए माइनस करंट के डायरेक्शन में ठीक है ऐसे क्या कर सकते हैं हम लिख सकते हैं या फिर तुम्हें वैसे भी पता है करंट इससे कैसे जा रही है उल्टी प्लस से माइनस की तरफ करंट जा रही है आई वन प्लस से माइनस जा रही है तो वोल्टेज किसकी आएगी माइनस की ही आएगी तो चाहे वी ए माइनस फाइव इस तरीके से लिख या क्या तरीका है पहली वाली वोल्टेज माइनस दूसरी वाली वोल्टेज यहां पर चाहे प्लस पांच हो या माइनस पांच हो दो तरीका है दोनों से मैंने तुम्हें यह लिखना बता दिया प्लस आई टू आई टू क्या है ये आई so, टू में यहाँ कितनी वोल्टेज है बी है दूसरी वाली वोल्टेज इसकी दूसरी तरफ कितनी है जीरो तो आ गया जीरो सॉल्व कर लो इसे थ्री प्लस बी ए बाई फाइव माइनस वन प्लस बी ए बाय फोर बी ए की वैल्यू देखो यहीं से ही निकल जा रही है तो कितना आ गया ए बाई फोर वी ए बाई फाइव थोड़ा छोटा होगा दिख नहीं रहा होगा वी ए बाई फाइव प्लस वी ए बाई फोर इज इक्वल टू माइनस टू थ्री में से वन गया टू और इधर ले गए तो माइनस टू यहाँ ट्वेंटी एल्सियम आ गया तो ट्वेंटी एल्सियम आने पर कितना हो गया यहाँ पर फोर और फाइव नाइन आ गया नाइन बी ए बाय ट्वेंटी ट्वेंटी यहाँ पर लिया तो कितना आ गया फोर है फाइव है नाइन वी ए बाई ट्वेंटी इज माइनस ट्वेंटी तो वी ए इजिकल्स टू वी एजिकल्स टू माइनस फोर्टी बाय नाइन ठीक है ये किसकी वैल्यू निकल गई वी ए की अब क्या लगाना है दूसरे नोड पर के लगा दो। किस पे लगा दो अब अप्लाई के सी एल एट नोट बी पूरी लाइन लिख लेना यहाँ पर अब नोट बी पर के सी एल लगाओ जब नोट बी पर के सी एल लगाओगे तो अब वही सेम इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट अब इनकमिंग करंट थ्री है वहां तो सारी आउट गोइंग आउट गोइंग थी ए पर यहाँ इनकमिंग थ्री आ रही है और कहा, -कहा जा रही है आई फोर में और आई थ्री में तो एक यहां पे जा रही है एक यहां पर थ्री तो हमें गिवेन है आई फोर कितना है ऐसे जा रही है तो यहां पर वोल्टेज कितनी है वी बी माइनस यहां से यहां यहां अभी भी कितना है पांच अपॉन फाइव प्लस आई थ्री कितना है ये वाली है ये कितनी है VB अपॉन टू ये हो गया अब इसे सॉल्व कर लेते हैं थ्री इज इक्व टू बीबी अपॉन फाइव माइनस वन प्लस बीबी अपॉन टू ठीक है ये चीज यहाँ लिख ली बीबी अपॉन फाइव आ गया माइनस वन आ गया बीबी अपॉन टू आ गया अब यहाँ पे इसे ले जाओ फोर इक्वल टू बीबी अपॉन फाइव प्लस वीबी अपॉन टू इसका एलसीएम ले लो कितना आएगा टेन आएगा और यहाँ कितना आएगा सेवन आ जाएगा सेवन बीबी अपॉन

और वीबी भी निकल गई मोस्टली जो वोल्टेज बताते हैं तुम यहां किसमें बता सकते हो आंसर में पॉजिटिव में बता सकते हो निकल गई निगेटिव में लेकिन भी बता सकते हो पॉजिटिव में भी बता सकते हो पर अगर निगेटिव निकली है तुम यहां क्या भी शो करके रख सकते हो निगेटिव भी शो करके रख सकते हो अगर कोई पूछे वीए माइनस वी बी बताओ या वी बी माइनस वी है कुछ भी अगर पूछते हैं या ऐसे पूछ लेते हैं वी ए बी क्या पूछ लेते हैं अगर वी ए बी तो वी ए बी कैसे बताओगे वीए माइनस VB करके तुम वी ए बी बता सकते हो या वीबीए पूछ रहे हैं तो वी बी माइनस वैसे बी ए बी और बीबीए में कोई फर्क नहीं पड़ता एक माइनस का आएगा या प्लस का आएगा आएगा सेम ही वैल्यू ठीक है तो वी ए माइनस वीबी या वीबी माइनस वी ए बी तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो तो ये भी तुम्हारा एक किसके एग्जाम्पल हो गया नोडल एनालिसिस का ही एग्जाम्पल हो गया एक ये है यहां भी चाहे नोड लगाओ चाहे मैश लगाओ कोई भी लगा सकते हो तो अब हम किससे करके देखते हैं मैश एनालिसिस से अब क्या करते हैं मैश के एक क्वेश्चन करके देखते हैं मैश एनालिसिस मैश एनालिसिस में क्या कहा था केवीएल लगाना है तो, तो यहाँ पर अब क्या लगाना है केवीएल लगाना है तो मैश एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले क्या करना है मैश को मानना है तो यहाँ हम कितने मैश मानते हैं दो एक दो तो. इसके अलावा तो और कोई मैश यहां बन नहीं सकते ठीक है तो मैश यहां पर मान लिया मैश एनालिसिस लगाया इस मैश में करंट मान ली आई वन और इस मैश में करंट कितनी मान ली आई टू अब देखो करंट की डायरेक्शन हमने मानी है करंट की डायरेक्शन क्या करी है हमने मानी है यहाँ पर तो ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस में भी हम ही वैल्यू लिखेंगे प्लस माइनस जैसे हमने करंट की डायरेक्शन मानी है तो हमने ये आई वन कैसे मानी है ऐसे इसमें देखो आई वन मैंने कैसे लिया है ऐसे ली है तो इसे प्लस लिखेंगे इसे माइनस अगर एक बार तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ जाएगा तो ये प्लस माइनस लिखने की नीड नहीं है केवल हम ऐसे ही बता रहे हैं कि प्लस लिखेंगे माइनस लिखेंगे ऐसी ये आई वन इधर को भी गई तो हमने यहाँ प्लस मान ली यहाँ माइनस अब ये है आई टू दूसरी वाली ये आई टू फोर में ऐसे जा रही है तो इसे यहां प्लस लिख लिया यहाँ माइनस अब देखो ये सिक्स में तो आई वन में जा रही है आई टू भी। लेकिन अपोजिट जा रही है हमने केवल एक से मान ली आई वन से दूसरी तरफ हम क्या कर देंगे डायरेक्शन अपने आप ही मतलब पॉजिटिव कर देंगे तो जैसी करंट लिखी है हमने मानी है करंट की डायरेक्शन लूप में वैसे ही यहाँ क्या लिखना है प्लस माइनस तो हमने करंट ऐसे मानी है तो हमने यहाँ क्या क्या लिख लिख लिया लिया प्लस माइनस इस तरीके से ऐसे ही अब इसमें लगाओ सेम देखो लूप लगा फर्क नहीं पड़ता ये बैटरी कैसी है हम लूप में करंट खुद मानेंगे अगर करंट माइनस में आई तो इसका मतलब हमने करंट गलत मानी है अगर करंट प्लस में आई तो हमने करंट सही मानी है बैटरी के हिसाब से हमने करंट नहीं मानी है याद रखना हमने करंट अपने आप ही दोनों में ऐसे मान ली अपने आप मानी है अब यहां पर क्या लगाते हैं केवीएल तो अप्लाई केवीएल अप्लाई केवीएल इन मैश वन यहां मैश ये पहला मैश हो गया वन और ये दूसरा मैश हो गया ठीक है ये लिखना मत तुम बस हम लिख रहे हैं ऐसे लिखना ए बी सी डी और फिर लिखना लूप इसमें इस मैश लगाने पर लूप इस इसमें मैश लगाने पर नेमिंग अगर करोगे यहाँ पर एफ e, अब लिख सकते हो कि अप्लाई के वी एल इन मैश ए बी ई एफ इस तरीके से यहाँ लिख सकते हुँ. हमने इस वाले में मैश लगाया पहले वाले तो देखो यहाँ से स्टार्ट करें चलना बैटरी से तो बैटरी में करंट कैसे जा रही है करंट कहां से जा रही है नीचे से जा रही है देखो करंट ऐसे जा रही है ना ऐसे तो करंट कैसे जा रही है नीचे से करंट जा रही है ये रही करंट की वैल्यू ऐसे तो जब माइनस से प्लस जाते हैं तो किसकी कहा था वोल्टेज किसकी लेते हैं प्लस की निगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे बैटरी में तो वैल्यू किसकी लेंगे प्लस की तो हमने क्या लिख दिया फाइव वोल्ट या लिख दिया फाइव वोल्ट केवीएल क्या होता है सारी वोल्टेजेज वोल्टेज लिखनी है क्या लिखनी है क्योंकि में 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 सिर्फ लिखनी लिखनी होती होती है KCL में current होती है आई आर वी बराबर क्या होता है आई आर आई कितनी है आई वन आर कितना है टू तो यहां कितनी वोल्टेज हो गई टू आई कितनी वोल्टेज हो गई टू आई अब वोल्टेज किसकी लेनी है ये देखेंगे करंट प्लस से माइनस जा रही है जब प्लस से माइनस करंट जाएगी तो किसकी लेंगे माइनस की तो कितना आ गया माइनस टू आई वन अब किस में गया ये नीचे गया नीचे गया अब नीचे क्या देखा इसने प्लस से माइनस जा रही है आई वन लेकिन इसी में ही दूसरी करंट क्या आ रही है ऊपर तो को आ रही है आई टू आई वन नीचे की तरफ जा रही है बीसिस e, आई टू नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है तो इसका मतलब इसमें जो टोटल करंट होगी वो कितनी होगी आई वन माइनस आई टू कितनी करंट होगी तो कितनी मान ली यहां पर जो करंट गई आई गई? टू गई, गई? लेकिन इसमें जो करंट गई वो कितनी गई आई वन माइनस आई टू कितनी करंट मानी आई वन माइनस आई टू अब क्योंकि हमने आई वन में से आई टू घटाया इसलिए हमने प्लस किसे लिया ऊपर लिया आई वन को पहले लिखा है तो इसलिए प्लस भी कहां लिया हमने ऊपर लिया ठीक है ये चीज यहां पर याद रखना तो आई वन माइनस आई टू तो माइनस कितना सिक्स में सिक्स आई वन माइनस आई टू तो सिक्स आई वन माइनस आई टू देखो यहां ये सबको समझ में आ गया ये मेन चीज है समझने की लूप वाला थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम कर जाता है क्या करना है करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस लिखना है प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस साइन लिखना है पूरी इक्वेशन वोल्टेज के टर्म में लिखनी है तो देखो ये भी वोल्टेज था आई आर वोल्टेज होता है आई आर वोल्टेज होता है तो ऑल वोल्टेजेस सम ऑफ अलजेब्रिक वोल्टेजेस इक्वल टू जीरो हो गए यहां पर केवीएल लग गया तो अब यहां पर हम क्या करेंगे इसे सॉल्व करो सेम सेम वाले एक साथ लिख लो 5 ये 2 है ये -6 है तो कितना आ गया 8i1 और 6i2 जीरो हो गई देखो ये माइनस सिक्स था माइनस टू था माइनस एट आई वन हो गई ये एक इक्वेशन हो गई इक्वेशन वन कह दो यहाँ पर अब दूसरे में मैश अप्लाई करो किस में अप्लाई करो मैश दूसरे में तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूं मैश सेकेंड दूसरे वाले में मैश अप्लाई करा दूसरे में फिर से अप्लाई करो कहीं से भी चलना स्टार्ट कर दो फोर ओम से करते हैं मान लो या चलो सिक्स से ही चल सिक्स से चले अब हम जा रहे हैं आई टू ऐसे कैसे जा रहे हैं आई टू इस तरीके से लेकिन करंट तो आ रही है नीचे आई वन माइनस आई टू करंट जो आई वन माइनस आई टू मानी है हमने वो कैसे आ रही है नीचे आ रही है हमने जो लूप वाली करंट ली है वो आई टू कहा है ऊपर ली है तो यहाँ पर जो ड्रॉप आएगा वो किसका आएगा माइनस का नहीं आएगा क्यों क्योंकि जो यहाँ करंट जा रही है ये वाली हिसाब से करंट जाएगी वो किस में जा रही है माइनस से प्लस जा रही करंट कैसे जा रही है माइनस से प्लस लेकिन जो इसमें ऊपर से आती हुई करंट दिखाई गई है वो क्या है आई वन माइनस आई टू है तो या तो तुम्हें यहां पर क्या लिखना है या तो क्या लिखना है माइनस आई वन माइनस आई टू इंटू इंटू कितना आर आर कितना है सिक्स कैसे आया ये आई आर ही तो लिखना है तो आई आर लगा दिया आई कितना है आई वन माइनस आई टू इन आर अब मैंने यहाँ पर साइन प्लस का क्यों लिया क्योंकि जो करंट रियल में जा रही है वो तो माइनस से प्लस जा रही है ना माइनस से प्लस जा रही है करंट और आने वाली जो है आई वन माइनस आई टू वो ऊपर से नीचे आ रही है तो जो हमने मेन करंट मानी है उसकी जस्ट क्या हो गई अपोजिट हो गई तो माइनस माइनस क्या आ गया प्लस आ गया ये ऐसे याद रखो आई वन माइनस आई टू ऐसे दे रखे हैं लेकिन हम जा रहे हैं माइनस से प्लस तो हमने किस में लिया माइनस से प्लस जाते हैं तो वैल्यू किसकी लेते हैं पॉजिटिव की ये नहीं समझ में अगर आया अगर ये नहीं लिखना चाहता कोई बच्चा यहाँ पर तो क्या भी लिख सकते हैं आई टू माइनस आई वन भी लिख सकते हैं इस वाले में पोलैरिटी मानो ही मत क्या लिखो कि जब नीचे से करंट जाएगी तो करंट मानना आई टू माइनस आई वन जब यहां से करंट जाएगी तो करंट क्या मानना आई टू माइनस आई वन और जहां से करंट एंटर करती है वहीं पर ही कौन सा साइन लेते हैं प्लस का साइन लेते हैं तब रेजिस्टेंस में यहां प्लस मानना यहां माइनस मानना तब हमें क्या साइन लगाना पड़ेगा माइनस का साइन लगाना पड़ेगा चाहे तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे तुम अगर अंदर डिवाइड करो तो देखो आई टू माइनस का ही आएगा और आई वन प्लस का ही आएगा माइनस को अंदर ले जाओ तो आएगा तो यही तो तुम्हारी मर्जी है चाहे आई वन माइनस आई टू लिखो चाहे आई टू माइनस आई वन लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता बस सिंबल याद रखना कि जब आई वन माइनस आई टू लिखोगे तो मेन करंट आई वन माइनस आई टू तो आ रही है ऊपर से नीचे लेकिन रियल में जो हमने लूप लगाया है वो तो लगाया है माइनस से प्लस तो इसलिए साइन किसका आएगा प्लस का ठीक है अगर कोई बच्चा यहाँ आई वन माइनस आई टू नहीं मानना चाहता क्या मानना चाहता है ई टू माइनस आई वन क्योंकि में, अब हम इसकी तरफ से चल रहे हैं आई टू की तरफ से और आई वन आ रही है अगर मानोगे तो यहां किसका साइन साइन लगाना लगाना पड़ेगा लगाना पड़ेगा माइनस का क्योंकि तब तुम्हारा जो रेजिस्टेंस होगा नीचे प्लस कहलाएगा और ऊपर माइनस कहलाएगा तो तुमने जो करंट पहले लिखी है उस पहले जो करंट मानते हैं उसी की के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के साइन होते हैं यहाँ करंट आई वन मानी थी तो आई वन के डायरेक्शन में साइन दिए थे अगर तुम आई टू माइनस आई वन लिखोगे तो आई टू की डायरेक्शन में साइन दोगे यहां प्लस यहाँ माइनस सही है तो दोनों लूप में रेजिस्टेंस को अलग अलग साइन दे सकते हो उन्हें नहीं इन वालों को तो यहां पर हमने क्या लिख दिया यहाँ आई वन माइनस आई टू इंटू सिक्स अब यहां माइनस नहीं आएगा यहां ये कहो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस अब आगे गए चार की बारी आई चार में तो आई टू करंट फ्लो कर रही है और प्लस से माइनस तो यहाँ माइनस का साइन आएगा और कितना फोर आई टू है ये वी वी बराबर आई आर आई कितना है आई टू आर कितना है चार अब आए बैटरी पे बैटरी में कहा जा रहा है माइनस से प्लस तो जब माइनस से प्लस जाएंगे तो क्या आएगा साइन प्लस का आएगा, आएगा। इक्वल टू जीरो अब इसे सॉल्व करो सेम सेम वाले एक साथ लिख लो यहाँ आई वन तो एक ही है सिक्स आई वन आई टू वाले दो हैं और दोनों किसके हैं माइनस के हैं तो छह और चार कितना हो गया प्लस ठीक है सिक्स आई टू फोर आई टू टेन आई टू प्लस टेन इक्वल टू कितना आया जीरो तो ये इक्वेशन वन हो गई इक्वेशन टू इक्वेशन वन और टू को क्या करो अब सॉल्व ठीक है इक्वेशन टू को हम और कैसे लिख सकते हैं सिक्स आई वन माइनस टेन आई टू इक्वल टू माइनस टेन ठीक है ये इक्वेशन टू इक्वेशन वन कितनी है एट आई वन एट आई वन माइनस ले गए i आई वन वहां गया प्लस का हो गया सिक्स आई टू वहां गया माइनस का हो गया फाइव यही रहे ठीक है ये दो इक्वेशन आ गई अब इन्हें दोनों को हमें क्या करना है सॉल्व करना है इन दोनों को सॉल्व करने के लिए कई सारे मेथड होते हैं देखो जितने अननॉन उतनी इक्वेशन इसलिए मैं यहाँ तीन भी मान सकती थी I1, I2, I3, तीन बनानी तीन लूप, 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 तो लूप यहाँ पर नहीं लगाते वरना लूप से भी कर सकते थे यहाँ पर ठीक है तो दो अननोन थे तो दो इक्वेशन में हमारा काम हो गया अब इन्हें सोल्व कर सोल्व करने के लिए इन्हें एक सा बनाना पड़ेगा इन्हें एक से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई जैसे यहाँ पर सिक्स आई वन है यहाँ एट आई वन है तो एक में एट की मल्टीप्लाई कर दो और एक में सिक्स की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो एट की और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो सिक्स की तो कितना आ जाएगा देखो उसमें एट की करोगे फोर्टी एट आई वन माइनस टेन आई टू इक्वल टू माइनस एट्टी दूसरी वाली एट्टी दूसरी वाली में सिक्स की फोर्टी एट आई वन माइनस थर्टी सिक्स आई टू इजिकल्स टू थर्टी ठीक है दोनों सेम बन गए अब क्या करो इक्वेशन इसमें से इक्वेशन इसको क्या करने पर घटाने पर यह चीज लिख लेना इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू को घटाने पर पहले ही लिखने इक्वेशन वन में सिक्स की मल्टीप्लाई करी और इक्वेशन टू में इक्वेशन वन मल्टीप्लाइड बाय सिक्स ठीक है माइनस इक्वेशन टू मल्टीप्लाइड बाय एट दोनों में एक में सिक्स की मल्टीप्लाई एक में और दोनों को क्या कर देना माइनस कर देना चाहे इसमें से इसे घटाओ चाहे इसमें से इसे घटाओ किसी को भी घटा सकते हो माइनस घटाते हैं तो साइन बदल जाते हैं तो प्लस का माइनस माइनस का प्लस माइनस का प्लस का, का माइनस तो ये कैंसिल हो गए यहाँ कितना आ गया एट्टी में से थर्टी सिक्स गए फोर्टी फोर आई टू यहाँ पर आ गया ठीक है ये एट्टी है और यहाँ ये यह माइनस माइनस दोनों प्लस तो आई टू इक्वल्स टू कितना आ गया वन वन जीरो बाय टेन बाय फोर तो टेन बाय फोर कितना होता है यहां पर टू पॉइंट टू फाइव टू पॉइंट टू फाइव ही होगा यहां पर तो so, चाहे टेन बाय फोर लिख दो या टू पॉइंट टू फाइव लिख दो फाइव एम पी तो ये किसकी वैल्यू निकल गई आई टू की तो आई टू निकल गई I2 की वैल्यू के बाद I1 निकालना है तो क्या करो I2 का मान किसी भी एक इक्वेशन में रख दो चाहे मल्टीप्लाई करने के बाद रखो चाहे विदाउट मल्टीप्लाई कहीं पर भी रख दो जो तुम्हें इजी लगती है तो I2 का मान हमने इक्वेशन वन में रखा लिखना इसे I2 की वैल्यू इक्वेशन वन में रखने पर तो I2 की वैल्यू जब इक्वेशन वन में रखी वैल्यू ऑफ आई टू इन इक्वेशन वन ठीक है तो इक्वेशन वन में जब वैल्यू रखे आई टू की तो फाइव इजिकल्स टू एट आई वन माइनस सिक्स इंटू टेन बाय फोर यही तो था तो एट आई वन माइनस सिक्स आई टू टू इतना तो फाइव माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ सिक्सटी बाय फोर वैसे इधर लिया एट आई वन तो एट आई वन इजिकल्स टू ये कितना हो गया यहाँ एलसीएम ले लिया तुमने अगर एट्टी बाय फोर एलसीएम ले लिया यहाँ फोर का चार फोर फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी और सिक्सटी यहाँ पर कितना हो गया एट्टी एटी बाय फोर ट्वेंटी तो आई वन इजिकल्स टू ट्वेंटी बाय एट यहाँ पर हो गया ट्वेंटी बाय एट कितना हो गया सेम आ रहा है ये तो, तो आई वन भी यहाँ पर कितना आया आ गया, आई टू पॉइंट भी कोई कंफ्यूजन मतलब कोई अगर मिस्टेक हो गई हो सॉल्व करने में प्लस माइनस का साइन तो वो चेक करते रहना कि कहीं हुई तो नहीं है वैसे तो प्रॉपर सब देख के यहाँ पर चेक तुम्हारा करा माइनस इधर आया प्लस का ट्वेंटी सिक्सटी एटी एटी बायर टेन बाय फोर ठीक है तो ये भी कितना आ गया टू पॉइंट फाइव तो इसका मतलब दोनों लूप में जो करंट फ्लो कर रही है वो कितनी है 2.5 कोई कहे सिक्स वाली ओम में कितनी कर रही है सिक्स ओम में करंट बताओ तो सिक्स ओम में कितनी करंट है करंट इन सिक्स ओम ब्रांच क्वेश्चन मान लो यही था कि मैश एनालिसिस से सिक्स ओम वाली ब्रांच में करंट बताओ तो सिक्स ओम में कितनी करंट है आई वन माइनस आई टू कितनी आ गई आई वन माइनस आई टू जीरो क्योंकि ये भी प्लस की आई है वो भी प्लस की आई है तो आई वन माइनस आई टू में जिस तरीके से हमने सप्लाई ली है उससे कितनी करंट आ रही है जीरो इसका मतलब आई वन आई और आई टू में या इस वाली ब्रांच में कोई करंट है ही नहीं अगर यहाँ साइन वाइन सब ठीक आए हैं तो आई वन और आई टू की वैल्यू कितनी आई है बिल्कुल बराबर आई है आई वन माइनस आई टू कितना आ जाएगा जीरो यहाँ पर आ जाएगा ठीक है और मेरे हिसाब से तो हमने कोई भी साइन वगैरह यहाँ पर छोड़ा नहीं है प्लस माइनस 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 का बड़ा है माइनस साइन लिया माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस सही है सारे वैसे हमने यहाँ ठीक नहीं ठीक है तो ये हमारा क्या हो गया मैश एनालिसिस का एक एग्जांपल हो गया एक और करके देख लेते हैं एक तुम फिर घर से करके देख लेना अपने आप तो ये भी हम सॉल्व कर रहे हैं अगर मैश से यहां भी क्या सॉल्व करा अगर मैश एनालिसिस ही लगाया तो यहाँ कितने मैश लगेंगे यहां लगेंगे तीन मैश अगर कोई तुमसे कह रहा है इस सिक्स ओम में करंट बताओ इस टू ओम में करंट बताओ तो यहाँ कितने मैश लगेंगे तीन एक दो तीन खुद अपनी डायरेक्शन है हमारी मर्जी हम डायरेक्शन करंट की कहीं भी ले लें तो एक मैश ये हो गया वन लूप टू लूप थ्री लूप इसमें करंट मान लो आई वन इसमें I2 और यहां I3। थ्री रजिस्टेंस में कैसे मानना है इसमें I1 ऐसे जाता हुआ दिखाया है ना हमने ऐसे तो करंट क्या मानेंगे यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहां करंट ऐसे दिखा रखी है तो यहां प्लस यहाँ माइनस ठीक है यहाँ करंट अगर I1 से दिखाओगे नीचे को तो यहाँ प्लस मानना है यहाँ माइनस अगर I2 से दिखाओगे तो नीचे प्लस मानना ऊपर माइनस अब मैं I1 को अगर पहले लू यहां पर तो अगर मैंने आई वन कैसे मान लो ऐसे लिया आई वन माइनस आई टू लिया इसमें तो प्लस ना हमने आई वन माइनस आई टू लिया या आई टू माइनस आई वन अगर आई टू माइनस आई वन लिखूंगी तो यहां प्लस मानूंगी यहां माइनस तो मानूं। दोनों लूप लगाते टाइम भी दोनों अलग में लिख सकते और इस वाले में आई थ्री ऐसे जा रही है तो यहां प्लस यहां Minus. कितने लूप लगेंगे तीन तीन अननोन है तो तीन लूप कम से कम लगने चाहिए तीन मैश यहाँ लूप भी बोल सकते हो मैश को ठीक है तो जितने कम कम से कम उतने मैश लगेंगे ही तो यहाँ पर पहले इस वाले में लगाओ फिर इस वाले में इस वाले में लगाओ ठीक है ये पहला लूप मैश है ये दूसरा है ये तीसरा है मैं खाली इक्वेशन लिख रही हूं अब सॉल्व तुम्हें करना है अप्लाई मैश इन फर्स्ट वाले में नाम भी लिख सकते थे ए बी सी डी जो भी नाम यहाँ पर लिखना है तुम्हें ठीक है अब यहां पर हम चले क्या हुआ प्लस से माइनस गए यहां देखो उल्टा हो गया करंट ऐसे जा रही है ना और प्लस से माइनस प्लस से माइनस जाएंगे तो बैटरी किसकी आएगी किसी भी जगह अगर प्लस से माइनस जा रहे हैं कहीं पर भी चाहे रेजिस्टेंस में बैटरी में हमेशा वैल्यू किसकी आएगी माइनस की तो कितना आ गया माइनस टेन वोल्टेज ही तो लिखनी है सब वोल्ट में लिखना फिर गए फाइव में अब देखो फाइव में एक करंट आई थ्री है और एक करंट क्या है आई वन है हमने जो करंट की डायरेक्शन ली है फाइव में आई वन से लिखी है तो फाइव में जो करंट होगी वो कितनी होगी आई वन माइनस आई थ्री एक करंट आई थ्री भी ऐसे आ रही है देखो अपोजिट तो फाइव में जो करंट है वो और हमने क्या से लिया करंट प्लस से माइनस जाते हुए तो साइन किसका आएगा माइनस का फाइव कितनी करंट है आई वन माइनस आई थ्री ठीक है तो यहाँ भी लिख लेना करंट अगर दिखाना चाहो कितनी आई वन माइनस आई थ्री करंट यहाँ भी लिख सकते हो तो फाइव क्योंकि हमें वोल्टेज लिखनी है तो आई आर आई आर अब आगे आए टू में टू में भी कितनी है टू आई वन माइनस आई टू बराबर कितनी हो गई जीरो तो सॉल्व आई वन आई वन एक तरफ आई टू आई टू एक तरफ सारी चीजें एक तरफ लिख सकते हो तो कितनी आ गई देखो माइनस आई वन कितने है? दो है एक दो यहाँ है एक ये है तो कितना हो गया सेवन माइनस सेवन आई वन दोनों माइनस के हैं आई टू आई टू कितना है एक ही है तो आई टू कितना हो गया प्लस टू आई टू माइनस माइनस प्लस फिर आया आई थ्री का माइनस माइनस प्लस फाइव आई थ्री इक्वल टू टेन टेन को मैं इधर ले गई कौन सी बन गई इक्वेशन वन बन गई ठीक है कितनी बन गई इक्वेशन वन अब मैश कहाँ अप्लाई करा अप्लाई मैश इन या अप्लाई केवीएल इन मैश टू। तो अप्लाई मैश नहीं लिखो अप्लाई केवीएल इन वन में पहले वाले मैश में अब केवीएल अप्लाई करो किसमें दूसरे वाले मैश में यहाँ दूसरे वाले की बात करते हैं तो यहीं टू से चले टू से जब चले तो करंट तो हमारी नीचे से जा रही है लेकिन आ रही है वो ऊपर से तो कितना आ जाएगा यहाँ प्लस की लेनी पड़ेगी माइनस से प्लस जा रहे हैं तो किसकी लेनी पड़ेगी प्लस टू आई वन माइनस आई टू ठीक है कितनी लेंगे प्लस टू आई वन माइनस आई टू माइनस से प्लस जा रहे हैं क्योंकि हम करंट तो ऊपर से आ रही है लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं माइनस से प्लस जा रहे हैं तो हमने किसकी लिए वाली वैल्यू टू की अगर सेम चीज आई टू माइनस आई वन लिखती तो मैं यहाँ ये किसका लिखती माइनस का लिखती अगर क्या लिखती आई टू माइनस आई वन

आएंगे लेकिन हमने जो लूप लिया है वो नीचे से ऊपर लिया तो हमने यहाँ क्या लिखा प्लस का साइन लिया यहाँ पर I2 की डायरेक्शन में साइन लेना है I2 की वजह से यहाँ प्लस से माइनस है और I2 की डायरेक्शन में ही हम लूप लगा रहे हैं तो इतने यहाँ क्या आया माइनस आया अगली बार किस में आए सोर्स में सोर्स में माइनस से प्लस जा रहे हैं तो बैटरी किसकी है प्लस इक्वल जीरो इसमें अब सारे I1 I2 I2 मतलब सबके कोफिशियंट एक तरफ ले लो आई अलग आई अलग आई यहाँ कितना है टू आई वन आई वन एक ही है कितना कितना है? दोनों? दूसरी इक्वेशन अब अप्लाई के वी एल इन मैश थ्री तो अप्लाई के वी एल इन मैश थ्री यहाँ पे पूरी लाइन नहीं लिखी लिख लेना अप्लाई के वी एल इन मैश तो अब हमें तीसरे वाले में लगाना है तीसरे वाला ऊपर वाला ऊपर वाले में स्टार्ट करो सिक्स से शुरू करते हैं आई थ्री प्लस से माइनस ही जा रही है तो माइनस सिक्स आई थ्री फिर आए पांच में अब पांचवे जब आए आई थ्री में तो हमने साइन कैसे ले रखा है यहाँ जो करंट है वो आई थ्री माइनस आई टू अगर हम ले और यहां जो हमने मानी थी वो कितनी मानी थी आई टू माइनस आई थ्री मानी थी तो यहाँ मैं दोनों लिख सकती हूँ आई टू माइनस आई थ्री की टर्म में भी लिख सकती हूँ सेम जैसे और जगह कर रहे हैं सेम यहाँ पर हम सेम वही रूल लगा सकते हैं अगर मैं लिखूंगी आई थ्री माइनस आई टू तब तो पांच को लूंगी माइनस का लेकिन अगर लिखूंगी आई टू माइनस आई थ्री तब पांच को किसका लिखूंगी प्लस का तो अगर मैं लिख रही हूं यहाँ पर आई थ्री माइनस आई टू तब यहां पर किसका लिखूंगी पांच माइनस का ये क्यों क्योंकि माइनस से प्लस जा रहे हैं और आई थ्री पहले है लूप लग रहा है आई थ्री वाला लेकिन साइन दिया है हमने आई टू से आई टू से साइन दिया है जबकि लूप लगा रहा है आई थ्री वाला तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा आई थ्री वाला ही कन्वेंशन लेना पड़ेगा ठीक है अगर मैं लिखूंगी आई टू माइनस आई थ्री जो कि यहां ऑलरेडी पहले था तब यहाँ साइन किसका लेना पड़ेगा पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा तो दोनों से कुछ भी लिख दो एक ही बात है आंसर गलत नहीं आएगा ऐसे ही यहाँ आए यहाँ भी क्या होगा चलो कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो तो मैं यहाँ पर I2 टू माइनस आई थ्री लिख रही हूं कि इसमें जो करंट है वो कितनी है I2 टू माइनस आई है यहाँ जो करंट है वो कितनी है I2 टू माइनस आई और यहां जो करंट है वो कितनी है यहाँ पर I1 वन माइनस आई तो आई टू माइनस आई है और इन टू क्या करना है फाइव फाइव करना है आई टू माइनस आई थ्री से लेकिन लूप जा रहा है ऐसे जो हमने करंट ली थी वो कैसे ली है ऐसे ली है तो इसलिए यहाँ साइन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ठीक है लूप आई थ्री ऐसे है लेकिन जो हमने साइन माना है वो आई टू की डायरेक्शन वाला माना है तो माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर प्लस हो ऐसी दूसरे में भी प्लस फाइव आई वन माइनस आई थ्री अगर आई थ्री पहले होता तो माइनस आता आई थ्री पहले होता तो यहाँ माइनस आता ये चीज याद रखनी है बस जिस डायरेक्शन में लूप है अगर वो पहले आएगा तो माइनस आएगा जिस डायरेक्शन में लूप है ऐसे यहाँ पे कहा था जिस डायरेक्शन में लूप है अगर वो पहले आएगा तो माइनस आएगा यहाँ पर आई टू की डायरेक्शन में था लेकिन ये पहले नहीं आया तो प्लस जिसकी डायरेक्शन में लूप है अगर वो पहले आएगा उसमें से घटाओगे तो माइनस ही साइन आएगा क्योंकि तब हम रेजिस्टेंस की दिशा में उसी में ही जा रहे हैं अब इसे सॉल्व करो बराबर जीरो यहाँ कितना आएगा आई थ्री आई थ्री वाले एक तरफ ले लो सिक्स आई थ्री फाइव आई थ्री फाइव आई थ्री तो कितना आ गया पांच और पांच दस 16 Six, और छह सो सिक्सटीन आई थ्री ठीक है सिक्स और फाइव तुम्हारे इलेवन हो गए इलेवन और फाइव तुम्हारे कितने हो गए सिक्सटीन माइनस माइनस के हैं तो सारे माइनस माइनस के आपस में क्या हो गए जुड़ गए कोई भी एक भी प्लस का नहीं है सब माइनस के हैं उसके बाद आई टू को देखो आई टू की है आई वाई टू आई वन की है फाइव आई इक्वल टू जीरो क्या भी लिख सकते हो इधर ले जाके आई थ्री को प्लस का भी लिख सकते हो माइनस का भी ठीक है ये तुम्हारे क्या आ गया तीन इक्वेशन आ गई अब तुम्हें इन तीनों इक्वेशन को बस क्या करना है सॉल्व करना है तो तुम क्या कर सकते हो सॉल्विंग इक्वेशन वन टू एंड थ्री तो दो 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 करके तीन कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे तब तुम्हारी तीनों वैल्यू क्या हो जाएंगी यहाँ पर निकल जाएंगी एक बार इसे इसे यूज करना तो एक को एलिमिनेट कर देना इसे और इसे यूज करना किसी एक को एलिमिनेट कर देना जब एलिमिनेट हो जाए उन दो को यूज करके एक वैल्यू निकालना फिर उस वैल्यू को पुट करना तो तीन ही क्वेश्चन को तुम्हें यहाँ पर क्या करना है सॉल्व करना बस ये बहुत है इतना अगर कर लोगे ये होमवर्क है करके देखना सबसे सिंपल होमवर्क ये क्वेश्चन दोनों से करके देखना यहाँ नोडल भी लगा के देखना यहाँ मैश एनालिसिस भी लगा के देखना और तब करके देखना ये तुम्हारा होता है या नहीं या नॉर्मल अगर मैश भी लगाओगे देखो मैश तो यहाँ सबसे सिंपल है सबसे सिंपल मैश है यहाँ पर आई वन आई टू तो अगर यहाँ मैश एनालिसिस लगाया यहां पर अगर क्या लगाया हमने मैश के वी एल अप्लाई ये समझाने के लिए तुम्हें लिया था स्टार्टिंग में आ गया ये सबसे लास्ट में डल गया तो यहां पर अगर तुम लगाओगे तो माइनस से प्लस गए तो कितना आ गया वन पॉइंट फाइव यहाँ पर कुछ नहीं है फिर यहां आए तो यहाँ कितनी करंट है आई वन माइनस आई टू आई वन माइनस आई टू माइनस का इन हंड्रेड एक हो गया तो वन पॉइंट फाइव माइनस हंड्रेड आई वन प्लस हंड्रेड आई टू इक्वल टू जीरो इक्वेशन वन दूसरे इस वाले में लग जाएगी तो अगर आई टू माइनस आई वन लिख रहे <coughs> अब मैंने आई टू में से आई वन घटाया तो आई टू की वजह से रेजिस्टेंस में जाऊंगी तो आई टू की वजह से जब जाऊंगी तो प्लस से माइनस माइनस में नाइन ना तो में, में भी प्लस से माइनस जा रहे हैं तो किसका आएगा माइनस का फिर गए टू हंड्रेड में टू हंड्रेड आई टू तो कितना यहाँ पर हमारा आ गया ये टू हंड्रेड वहां है और वन वहां है तो अच्छा हंड्रेड है हंड्रेड वन नहीं है हंड्रेड तो टू हंड्रेड और हंड्रेड कितना आ गया थ्री हंड्रेड आई टू माइनस का थ्री हंड्रेड आई टू और प्लस का हंड्रेड आई वन इक्वल टू नाइन ये इक्वेशन हो गई टू इक्वेशन वन और टू को सॉल्व करना यहाँ क्या आ जाएगा वैल्यू निकल जाएगी अगर नोड लगाना चाहोगे नोट एनालिसिस कैसे लगेगा एक ये करंट मानना एक ये करंट मानना एक ये करंट मानना तीन अलग अलग करंट माननी पड़ेगी यहाँ फिर इक्वेशन लगानी पड़ेगी पर नोड एनालिसिस में यहाँ नोड एनालिसिस लगाने से बचना क्यों अगर किसी भी ब्रांच में कोई वोल्टेज सोर्स है कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रखा खाली यहाँ क्या है वोल्टेज सोर्स है तो तुम्हें इसकी करंट तो पता होती नहीं है इस वाली ब्रांच की तुम्हें क्या नहीं पता होती करंट नहीं पता होती यहाँ पे जब करंट नोड लगाते हो तो आई बराबर क्या लिखते हो वी अपॉन आठ अब यहां पर आर तो है ही नहीं खाली यहाँ क्या दे रखी है वोल्टेज दे रखी है वी आर तुम्हें अगर यहाँ लगाना है तो ये तुम्हें ये भी तो पता होनी चाहिए थी कि वोल्टेज क्या है इस पॉइंट के रेजिस्टेंस कितना है वो कुछ दिया नहीं है तो यहाँ भी तुम्हें एक तुम्हें एक्सटर्नल क्या माननी पड़ जाती है करंट माननी पड़ जाती है और अब वो करंट क्या हो गई अननोन और जितने अननोन होते हैं उतनी इक्वेशन बनानी पड़ती है तब यहाँ पर नोट लगाना भारी पड़ जाएगा हो जाएगा ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होगा सॉल्व होगा पर आसान किससे पड़ेगा ये मैथ्स से क्योंकि यहाँ तुम आई वन बराबर क्या लगाओगे आई टू अपन आई टू प्लस आई थ्री यहां आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री ये आई वन तुम्हें पता ही नहीं है अगर यहाँ नोड लगाओगे तो ये वाली जो आई वन मानोगे और यहाँ आई टू यहाँ आई थ्री आई टू तो लिख दोगे v v यहां पर यही वोल्टेज तो यहाँ है और यही वोल्टेज यहाँ है फाइव अपॉन हंड्रेड आई टू पता है यहां पर ठीक है ऐसे ही यहां पर वन पॉइंट फाइव और यहां कितनी है नाइन है तो वन पॉइंट फाइव माइनस नाइन बाय टू हंड्रेड ये भी यहाँ पर तुम्हें पता है तो निकल जाएगी चलो यहाँ तो इतने कम थोड़े कम अनोन है तो आई वन निकल जाएगी वरना अगर कहीं कॉम्प्लेक्स सर्किट है ज्यादा नंबर ऑफ अनोन है तब तुम क्या लगाने से वहां बचना नोड लगाने से वहां बचना अगर कहीं पर सिर्फ वोल्टेज वोल्टेज है क्या नहीं दे रखी उस ब्रांच में करंट नहीं दे रखी यहाँ केवल एक अनन आई आई है तो निकल जाएगा यहाँ पर ईजिली लेकिन कुछ जगह ऐसा आ जाता है कि वहां पर सिर्फ यही दी होगी एक अनोन यहाँ आएगा एक अनोन कहीं दूसरी जगह एक अनोन कहीं तीसरी जगह तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है सॉल्व करना थोड़ा भारी पड़ जाता है तब हमारा किससे सिंपल बैठता है मैच। तो अब यहाँ पर क्या करना मैच से भी निकालना आई वन आई टू और जैसे मैंने नोड बताया है आई बराबर आया आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री भी लगाना और दोनों से करंट निकालना या जितने भी पीछे न्यूमेरिकल कराए हैं जो नोट से कराए हैं उसे एक बार तुम मैथ से करना जो मैथ से कराए हैं उन्हें एक बार नोट से करना और आंसर वेरीफाई करना कि हमारी जो करंट और वोल्टेजेस निकली है वो सही निकली है या नहीं तो उससे तुम्हें बिल्कुल एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि कोई प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम नहीं है या न्यूमेरिकल तुम्हें अच्छे से कर नहीं तो इस यूनिट का आज तुम्हारी यूनिट वन क्या हो गई है खत्म हो गई है पूरी तरह यहाँ पर फिनिश हो गई है यूनिट वन के जितना सिलेबस में लिखा था उतना टॉपिक करा दिया अगर चांस फिर भी कोई टॉपिक बच जाता है तो हम उसे क्या करेंगे आगे किसी भी लेक्चर में कवर कर लेंगे अगर किसी की कोई प्रॉब्लम होगी या कोई टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर बच जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे नेक्स्ट यूनिट यूनिट नंबर टू को स्टार्ट करेंगे तो इस लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए गुड बाय